नमस्कार, कुकिंग विद ज्योति का चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम साबूदाने की खिचड़ी बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम साबूदाना लिया है, जिसे मैंने एक बार धो के इसे भिगोने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने इसे 5 घंटे के लिए भिगोने के लिए छोड़ दिया था, और ये 5 घंटे के बाद हमारा रेडी हो चुका है। तो चलिए बना लेते हैं साबूदाने की खिचड़ी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई गर्म कर ली है। अब हम इसके अंदर 1 बड़ा स्पून ऑयल डाल देंगे। तो ऑयल हमारे यहाँ पे गरम हो चुका है। अब हम इसके अंदर साबूदाना डाल देंगे। तो साबूदाना देखिए हमारा कितने अच्छे से फूल के रेडी हो चुका है। तो ये लीजिए, हमने अपना साबूदाना ऐड कर दिया। अब इसके अंदर हम बाकी इंग्रेडिएंट भी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 आलू लिए हैं उबाल के, जिसे मीडियम मैंने काट दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने मूँगफली लिया है, जिसे मैंने भून के बारीक कूट दिया है। और ये मूँगफली हमारा करीब 100 ग्राम है। और इसके बाद हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पे काली मिर्च पाउडर हमारा 2 स्पून है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे काली मिर्च ऐड करें, जैसा आप तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से। और ये हमारा सेंधा नमक, सेंधा नमक हम यहाँ पे 1.5 चम्मच यूज़ कर रहे हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक यूज़ करें, जैसा आप नमक खाना पसंद करते हैं। और चलिए, तो अब इन सभी को हम मिला देते हैं एक बार। इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे हमारी गैस की फ्लेम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे इन सभी को हम अच्छे से मिलाएंगे। तो ये लीजिए, हमारा मिला के रेडी हो चुका है ये। अब हम इसे 2 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पे ऐसे ढक के पकाएंगे। दो मिनट के बाद इसे हम इसकी फ्लेम को मीडियम कर देंगे, और मीडियम फ्लेम पे इसे 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो 3 मिनट के बाद ये हमारा साबूदाना का रेडी हो चुका है। तो इसे हम वापस से एक बार मिला लेते हैं। तो यहाँ पे हमें टोटल 5 मिनट लगे हैं साबूदाने को बनाने के लिए। तो ये काफ़ी इजी एंड क्विक रेसिपी होती है, जो कि खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। व्रत के समय में ही नहीं तो आप कभी भी इसे ले सकते हैं खाने के लिए। तो ये लीजिए, हमारा साबूदाना पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और 2 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे ऐसे छोड़ देंगे। दो मिनट के बाद हमारा ये नॉर्मल हो चुका है। तो अब हम इसे ले सर्व कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमारा साबूदाना बन के रेडी हो चुका है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।